बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल कलफ राजपूत में। आज की वीडियो जान करते हैं जी शुरू। सुबह के बज रहे हैं 7 और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछे मत। और गाँव के लोग जो है ना वो निकल पड़े हैं सुबह सुबह। उसके बाद चारा काटना होता है, उसके बाद इन दिन चावल की फसल है उसको पानी लगाना होता है। जी अभी टाइम हो गया सोलर ऑन करने का, सोलर वाला पंप जो है ना वो ऑन करने का, तो वो कर दिया है। सूरज जो है ना इन दिनों हल्का भी होने तो सही जो है ना आग बरसाता है। खैर आज तो धूप काफ़ी तेज़ है, तो अभी सोलर प्लेटों का काम जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। तो सीन कुछ ऐसा है कि बारिशें हो नहीं रही और जो चावल की फसल लगाई उनमें पानी ठहर नहीं रहा। ये देखें जी पानी बिल्कुल खुशक हो रहा है। ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ये ट्यूबवेल चले हुए हैं, पीटर इंजन और इलेक्ट्रिक पम्प भी। लाइट भी इन दिनों कम आती है, गर्मी जितनी ज़्यादा होगी लाइट कम हो जाती है हमारे यहाँ पे। तो खैर हमारा ये सीन है कि हमारा जो सोलर है ना माशाल्लाह वो जो है ना सही चल रहा है। माशाल्लाह अपनी चावल की फसल जो है ना वो सही तंदुरुस्त पौधे जो है ना वो बना चुकी है, यानी कि उसका जो पौधा है ना वो बेहतरीन हो गया। ये देखें और पानी भी लग रहा है और यहाँ पर ये देखें जी सही भर के जो है ना वो पानी आ रहा है सोलर से। सोलर चल गया है माशाल्लाह, पानी जा रहा है खेतों में। वो उधर मौसम भाई देख रहे हैं, पानी चेक कर रहे हैं। ये देखें जी जैसे ही रूटर ऑन हुआ है बच्चा पार्टी पे आ गया नहाने के लिए। सारा दिन अभी इसी तरह ही रहना है। बच्चे जो है ना वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। खैर मैंने नहा लिया है और अभी जो है ना हमने एक खेत जो है ना हमारा यानी कि चावल का वो है दूसरी तरफ गाँव से दूसरी तरफ, तो उधर हम लोग लेके जाएंगे जनरेटर। आप भी उधर जाना, उसमें भी पानी ख़त्म हो चुका है। धूप बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी हम लोग ने जनरेटर जो है ना रख लिया बाइक के ऊपर और जा रहे हैं दूसरे खेत में। ये हमारा खेत जो है ना ये गाँव से थोड़ा दूर है दूसरी तरफ से।
एक ये वाला खेत है सामने वो एंड तक, एक उसके साथ खेत है। ये जो हमारे खेत हैं ना ये हमारे गांव से दूसरी तरफ है, यानी कि वो सामने गांव है और इसके बीचों बीच इधर से इधर से इधर से ये रास्ता है, ठीक है। और ये जितने भी खेत आपको नज़र आ रहे हैं ये दाएं बाएं सब में चावल की फसल लगी हुई है, और ये जो खेत है ना सारे चावल की फसल वाले हैं। तो खैर इसमें पानी कम था, अगर एक बारिश दुबा के हो जाए तो ये ऐसे खेत हैं इसमें पानी ख़त्म होता नहीं है। तो फिलहाल ये देखें सूरत हाल इस तरह की है कि पानी है ही नहीं, चावल की फसल माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो खैर अभी मैं यहाँ पे हूँ, आज ये दोनों खेत जो है ना पार के इंशाल्लाह फिर जाएंगे। पानी लाओ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जनरेटर जो है ना वो धड़ाधड़ चल रहा है, उसके अलावा जो दाएं बाएं के चाचू हैं उन्होंने अपनी पीटर इंजन जो है ना वो भी चलाए हुए हैं, यानी कि कुछ पेट्रोल वाली मशीनें चल रही हैं जैसे जनरेटर, उसके अलावा डीजल वाली वो भी चल रही हैं, वो साथ हमारे हमारे जनरेटर के साथ ही वो जो ट्यूबवेल आपको नज़र आया ना वो चल रहा है डीजल के ऊपर, ठीक है। इसी तरह जो बिजली वाली मोटरें हैं वो भी लोगों ने चलाई हुई हैं, लेकिन पानी फिर भी खेत में पूरा नहीं हो रहा। किसान भाई की यही कोशिश है कि अल्लाह ताला की ज़ात हम पे रहम करे, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उसकी जब मोटर चलेगी तब ही खेत में पानी जो है वो जमा होगा। किसान भाई तो ये दुआ कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला की ज़ात ने बेहतर जानने वाली और बेहतर करने वाली है। तो खैर इन दिनों हमारे यहाँ पर यह सिचुएशन है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के यहाँ क्या सिचुएशन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके एरिए में कैसा वेदर है। तो फिलहाल हम सारे किसान भाई जो है ना गाँव वाले वो बाहर निकले हुए हैं और अपने अपने खेत जो है ना उनको पानी लगा रहे हैं, और चावल की फसल जो है ना ये तकरीबन 4 से 5 माह में होती है, लेकिन इसको पानी इतने लगते हैं कि आप पूछे मत। तो यही है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है अपनी रहमत की बारिश बरसा दे, तो फिर माशाल्लाह किसान भाई जान खुश हो जाएंगे। माशाल्लाह जी अल्लाह ताला की कुदरत, 1 घंटा हो गया मुझे ना जनरेटर चलाए हुए और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो एकदम आसमान के ऊपर बादल हो गए हैं, ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गया, साथ ही बारिश जो है ना आ गई एकदम से, ये देखेंगे माशाल्लाह। उम्मीद है माशाल्लाह तेज़ बारिश होगी, लेकिन अपना जो जनरेटर है ना वो चल रहा है, एक खेत जो है ना उम्मीद है उस पर पानी अभी हो गया और माशाल्लाह बारिश भी जो है ना आ गई है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि कुछ देर पहले इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछे मत। इंशाल्लाह और अगर ज़्यादा बारिश आएगी फिर जनरेटर बंद कर देंगे। मैं ना वो वहाँ पीछे बैठा हुआ था और मैं बाहर क्या है कि जनरेटर बंद करता हूँ बारिश आ गई है, लेकिन तकरीबन 5 मिनट थोड़ी सी बारिश आई है उसके बाद फिर रुक गई। मौसम वैसे ठंडा हो रहा है माशाल्लाह, और अभी अपना खेत भरेंगे फिर इंशाल्लाह मैं बंद करूँगा, अगर रात को आ गई तो फिर कोई मसला नहीं, देखते हैं अभी। लेकिन फिलहाल मौसम अच्छा हो गया और जनरेटर अभी भी चल रहा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आज तो बढ़िया पार्टियां स्कूल गई थी, छोटा है आगे से रिसीव करना, शाबाश। लें जी दोस्तों, तकरीबन 1.5 से 2 माह के बाद बच्चों के स्कूल जो है वो लग चुके हैं हमारे यहाँ पे। तो आपके एरिया में क्या सिचुएशन है, बाकी 2 मंथ इन्होंने ना सही जो है ना वो किया हुआ था, घर वालों को भी तंग और ननहाल वालों को भी सही दबा के तंग किया होता है। छुट्टियाँ वैसे भी जो होती हैं ना आधी तो ननहाल यानी कि नानके में गुजरती हैं और आधी गुजरती हैं ऐसे घूम फिर के, स्टडी स्टूडी काम ही करते हैं बच्चे, तो खैर ये सीन है। खैर आज ना हमारे 2 बच्चे हैं उनकी थी बर्थडे, तो उनकी भी तैयारी करनी है, मैं जा रहा हूँ सामान कुछ लेने। बर्थडे किस किस की है? मोहम्मद अयान, हाँ जी, और मुनीब, मुनीब दोनों की बर्थडे है आज। बहुत ज्यादा ये क्या बने हुए हो? हैप्पी बर्थडे। ये दूल्हे बने हुए हैं जी, बेटा आपको कितनी खुशी है? बहुत सारी बहुत सारी। शुरू करें
शुरू करें। बर्थडे मनाइए, मोदी खाओ जी, माशाल्लाह। ये खाओ आप सब, आपको